सार्वजनिक जगह पर प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि पब्लिक प्लेसेस पर लंबे समय तक प्रदर्शन नहीं किए जा सकते, एक तय जगह पर ही धरने होने चाहिए। मामला दिल्ली के शाहीन बाग प्रदर्शन से जुड़ा है। वहां पर 3 महीने से ज्यादा समय तक सड़क रोक कर प्रदर्शन होता रहा है, इससे लोगों को आने जाने में परेशानी हुई थी। इसलिए पिटिशनर ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि सार्वजनिक जगह पर प्रदर्शनों पर रोक लगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की 4 प्रमुख बातें इस प्रकार है। विरोध प्रदर्शन के लिए शाहीन बाग जैसी सार्वजनिक जगह का घेराव बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। लोकतंत्र और असहमति साथ साथ चल सकते हैं। शाहीन बाग को खाली करवाने के लिए दिल्ली पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए थी। ऐसे मामलों में अफसरों को खुद एक्शन लेना चाहिए, वे अदालतों के पीछे नहीं छिप सकते। वकील अमित शाहनी ने इस मामले में पिटीशन फाइल की थी। कोर्ट ने 21 सितंबर को फैसला रिजर्व रख लिया था। अदालत ने उस दिन कहा था कि विरोध के अधिकार और जनता के मूवमेंट के अधिकार के बीच बैलेंस होना चाहिए। संसदीय लोकतंत्र में सभी को विरोध का अधिकार है, लेकिन क्या लंबे समय तक कोई सार्वजनिक सड़क जाम की जा सकती है। दिल्ली के शाहीन बाग में 14 दिसंबर से CAA के खिलाफ हुए प्रदर्शन शुरू हुआ था, जो 3 महीने से ज्यादा चला। सुप्रीम कोर्ट ने 17 फरवरी को सीनियर वकील संजय हेगड़े और साधना रामचंद्र को जिम्मेदारी दी थी प्रदर्शनकारियों से बात कर कोई समाधान निकाले, लेकिन कई राउंड की चर्चा के बाद भी बात नहीं बन पाई थी। बाद में कोरोना के चलते लॉकडाउन होने पर 24 मार्च को प्रदर्शन बंद हो पाया था। इसी प्रकार की बड़ी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।